चलिए मैं आपको पहले कोटा की क्या वहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं बात कराती हूँ। हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राकेश जी, सुन पा रहा हूँ। राजेंद्र, क्या परिस्थिति चल रही है? कितनी गणना वोटों की गिनती हो चुकी है? कितना राउंड हो गया? सबसे पहले अनिल जी, मैं अपने दर्शकों को अपडेट कराना चाहूंगा, यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था की गई थी, मीडिया को अभी तक कोई रुझान नहीं मिल पा रहे हैं। तकनीकी कारण से जो मीडिया का कक्ष बना हुआ था, उस कक्ष में कोई खराबी आ गई है। खराबी के बाद में सभी पत्रकारों ने यहाँ पर कलेक्टर को यहाँ पर बुलाया है और कलेक्टर के बाद में तकनीकी खराबी दूर करने का प्रयास किया गया जा रहा है। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, बूंदी से सांसद ओम बिरला 3400 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार बीजेपी को यहाँ से लीड मिलती जा रही है, शुरुआती जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। जी बूंदी विधानसभा क्षेत्र, जी बूंदी विधानसभा क्षेत्र, जी बूंदी में चार विधानसभा क्षेत्र और हैं, जी केशवराय पाटन है और दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, तो अभी उनका कुछ नतीजा अंदाज लग रहा है? जिस तरह से अभी जो रुझान आ रहे हैं और तकनीकी खराबी के कारण जो कोटा के जो मीडिया को जो मतदान केंद्र से जो हलचल हो रही है उसकी पूरी खबर नहीं मिल पा रही है। साथ में ही जो मशीन है वो कई खराब हो रही है, तो कलेक्टर जो मुक्तानंद अग्रवाल से बात की गई है, जल्द से जल्द ये सुविधा सुधारी जाएगी। साथ में ही एक ही चीज और है, जो बात बार बार में मीडिया कर्मियों को अंदर जाना पड़ रहा है। साथ में जो मतपत्रों की गिनती हुई है, उस मतपत्रों की गिनती के आधार पर ही 3400 वोटों से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। डाक मतपत्रों के आधार पर? डाक मतपत्र। अभी मशीनें खुल गई हैं, मशीनों से गिनती शुरू हो गई है। अभी अगर थोड़ी देर पहले की बात करें तो यहाँ पर चाबी मंगाई गई थी और जो डेस्क रूम का जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई थी उनको खोला गया है और उनको बाहर निकाला गया है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है और लगातार जिस तरह से जो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था सही तरह से नहीं हो पाई है, लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। हम अपील करेंगे कोटा के जिला प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी, चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी, कि मीडिया को सूचना लगातार मिलती रहे। पूरे देश की जनता इस वक्त मीडिया पर आश्रित है सूचनाओं के लिए। हम चुनाव आयोग के और जनता के बीच की कड़ी हैं, मतदाता को उसका फैसला उसी की भाषा में बताना चाहते हैं, इसलिए हम अनुरोध करेंगे कोटा के जिला प्रशासन से भी और चुनाव आयोग से भी, राजस्थान के चुनाव अधिकारियों से भी, कि मीडिया को सूचना मिलती रहे सतत निरंतर। वरना क्या होता है कि जब आपको सूचना नहीं मिलती तो फिर आप अंदाजे लगाने शुरू करते हो, गपशप होनी शुरू होती है, उससे सारी स्थिति बिगड़ती है। मैं दर्शकों को देना चाहूंगा, लगातार ओम बिरला का जो रुझान आया है वो 20,000 वोटों से ओम बिरला अब आगे चल चुके हैं। लगातार जो अंदर से रुझान निकल कर आए हैं वहां से 20,000 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी एक तरफा लग रहा है इस हिसाब से चुनाव का नतीजा। जी जी राजेंद्र, और कोई जानकारी है आपके पास? धीरे धीरे जैसे जैसे मतदान की गणना चालू होगी उस तरह से ही रुझान आने लगेंगे, मगर लगातार अभी की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला ने यहाँ पर शुरुआती बढ़त बढ़ा ली है और शुरुआती बढ़त भी 20,000 वोटों से अधिक है। तो 20,000 वोटों से अधिक बढ़त को राम नारायण मीणा को धीरे धीरे कुछ राउंडों में तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। जी राकेश, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पीपलदा जहाँ से विधायक है राम नारायण मीणा, वहाँ की गणना शुरू हुई है नहीं हुई है पीपलदा की? बात करें पीपलदा की तो पीपलदा से राम नारायण मीणा यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं और वहाँ पर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है और मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर राम नारायण मीणा को बढ़ती दिखाई दे रही है। मगर अभी तक जिस तरह से ईवीएम मशीनों का खुली नहीं है और जिस तरह से इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अभी तक आया नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ईवीएम मशीन खुलती जाएगी वैसे वैसे इस बारे में तस्वीर साफ होती जाएगी कि पीपलदा से राम नारायण मीणा को बढ़त मिली है या ओम बिरला को बढ़त मिली है। जी जी बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र, आप बने रहिए और हम आपसे फिर बात करेंगे, रूबरू होंगे आपसे और जानकारी आपके माध्यम से हमें प्राप्त होगी तो दर्शकों तक पहुंचती रहेगी। आपका बहुत धन्यवाद।